हेलो गाइस, कैसे आपको पता है एलवी शादा और फुकरा इंसान ने बिग बॉस में जाके सिस्टम हिलाया हुआ है। और दूसरी तरफ गाइस, ध्रुव राठी ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करी है जिसमें इन्होंने कहा है मुझे बिग बॉस वाले लाखों या करोड़ों दे दे, मैं इस नॉनसेंस गंदे शो में कभी नहीं जाऊंगा। और इन्होंने थोड़ा एलवी शादा को ट्रोल करके कहा है जो लोग खाली होते हैं, जिन्हें कोई काम नहीं होता, वही लोग इस शो में जाते हैं। चलिए गाइस, मैं आपको छोटी सी वीडियो की क्लिप दिखाता हूं। मैं क्लियरली कहना चाहूंगा कि इनवाइट करना तो छोड़ो, अगर ये मुझे पैसे भी ऑफर करें इस शो में आने के लिए, लाखों करोड़ों जितने भी पैसे ऑफर करें शो में आने के लिए, ऐसे नॉनसेंस शो में मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगा। एक समय पर ये लड़का सिद्धार्थ यादव, इसने एक YouTube वीडियो बनाया था जिसमें इसने कहा कि हमारे देश में कितने वेले लोग हैं कि वो सलमान खान की फिल्में देखते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता। हमें ये अंदाजा होता है कि हमारे देश में कितने खाली बैठे हैं जिनको ऐसी मूवी देखने में मजा आता है, जिन मूवीज का ना कोई सर है पैर है, पर सल्लू भाई की मूवी है, 1000 रुपए की टिकट हो, भाई की मूवी है, देखनी है तो देखनी है। वो अलग बात है कि अब ये खुद जाकर बिग बॉस के घर में खड़ा है। लेकिन बात ये भी सच है कि बिग बॉस इसी टाइप के लोगों के लिए सबसे फिट जगह है। ऐसे ही लोग डिजर्व करते हैं बिग बॉस में जाना और इनफैक्ट जीतना भी। मुझे यकीन है कि ये शो को जीत भी सकता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हो। बाकी मैं तो गाइस एलविश भाई और फुकरा भाई दोनों को ही सपोर्ट करता हूँ। बाकी गाइस आप कमेंट में लिखकर बताना आप इन दोनों में से किसको सपोर्ट करते हो। तो आज के वीडियो में गाइस बस इतना ही। अगर आपको छोटी सी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।